अस्सलामुअलैकुम, रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं अफसाना खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ड्रोन हमले हमारी खुद मुख्तारी और बैनुल अक्वामी कवानीन के खिलाफ है। नौश की ड्रोन हमले का सर अफगान अमन अमल पाक अमरीका ताल्लुकात पर पड़ा। मुशीर खारजा सरताज अजीज का सेनेट में बयान। भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की जानब दिखेने के लिए दहशतगर्दों की माली मावनत करता है। रा कराची और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारत को इल्जाम तराशी के बजाय मुजाकिरात की मेज पर आना चाहिए। पाक अमरीका का ताल्लुक महदूद नहीं, हर ताल्लुक में ऊंच नीच आती रहती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया की इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। हुकूमत ने माली साल 2015-16 का इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। मुआशी नमू 4.7% रही, हदफ 5.5% था। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि कपास की फसल में 28% कमी हुई जिससे मुआशी नमू पर असर पड़ा, वरना शरा नमू 5.1% होती। लंदन में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। खातून अवल बेगम कुलसूम नवाज और दीगर अहले खाना की ICU में वजीर आजम से मुलाकात। कामयाब हार्ट सर्जरी के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरन और अक्वामे मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल बान की मून की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भिजवाया गया। करप्शन के जरिए लूटी दौलत वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, नैब किसी को हरासा नहीं कर रहा। डॉक्टर आसिम केस हो या DHE तहकीकात, नैब पर सिर्फ कौम का दबाव है। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कोयटा की एहतजाब अदालत ने मेगा करप्शन केस में साबक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रिसानी और खालिकाबाद के अकाउंटेंट नदीम इकबाल को 14-14 रोज का मजीद रिमांड देकर नैब के हवाले कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाक अफगान सरहद तुरखाम पर सफरी दस्तावेजात के बगैर आमदोरफ दूसरे रोज भी बंद। चमन में बाबे दोस्ती पर पाक अफगान सरहद पर हर किस्म की आमदोरफ जारी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक उन्हें बगैर सफरी दस्तावेजात की आमदोरफ रोकने के अहकाम नहीं मिले। भारतीय अदालत ने भारतीय रियासत गुजरात में 69 मुसलमानों को जिंदा जलाने के केस का फैसला सुना दिया। 24 इंतहा पसंदों को सजा, 36 को बरी कर दिया गया। और ICC चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग केस में आयद सजा भुगत चुके हैं, अब कोई भी उन पर क्रिकेट के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। मोहम्मद आमिर का क्रिकेट में वापस आना खुश आइंदा है, उन्हें इंग्लिश टीम के खिलाफ खेलने का जरूर मौका मिलना चाहिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील जानते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अब पेश है खबरों की तफसील। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया का कहना है कि भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की जानब दिखेलने के लिए दहशतगर्दों की माली मावनत करता है। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान नफीस जकरिया ने कहा कि पाकिस्तान तमाम आजाद ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की जानब दिखेलने के लिए दहशतगर्दों की माली मावनत करता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा कराची और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है और कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत साबित हो चुकी है। कुलभूषण ने इतराफ़ किया कि इसने पाकिस्तान में मुतअद्दिद खुफिया ऑपरेशन किए और इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को सबोताश करने की कोशिशों में मुलविस रहा।
कुलभूषण ने इतराफ किया कि इसने पाकिस्तान में मुतअद्दिद खुफिया ऑपरेशन किए और इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को सबूतास करने की कोशिशों में मुलव्वस रहा है। नफीस ज़करिया ने कहा कि पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात करने के लिए हरदम तैयार है और जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर पुरअमन माहौल में बातचीत से हल करना चाहता है। भारत को इल्ज़ाम तराशी के बजाय मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि गुज़श्ता 15 बरस में अफगानिस्तान में ताकत के इस्तेमाल के बावजूद अमन कायम ना हो सका बल्कि मसाइल में मज़ीद इजाफा हुआ। 4 मुल्की कोर ग्रुप अपनी जगह मौजूद है और पाकिस्तान भी इस ग्रुप में अहम किरदार अदा करता रहा है जो आइंदा भी जारी रहेगा और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतराफ़ आलमी सतह पर भी किया गया है, लेकिन अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अफगान तालिबान ग्रुप्स का भी मेज़ पर आना ज़रूरी है। लंदन में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वज़ीर आज़म की सेहत में बदतरीज बेहतरी आ रही है। हातूनी अवल बेगम कुलसूम नवाज़ और दीगर अहले खाना ने ICU में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक लंदन में दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद वज़ीर आज़म की सेहत में बेहतरी के हवाले से डॉक्टर्स मुतमईन हैं, जबकि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को हल्की ग़िज़ा की भी इजाज़त दे दी है। दुख्तरे अव्वल मरियम नवाज़ ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि उनकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बात हुई है और वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। इंशाल्लाह आज उन्हें प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कामयाब हार्ट सर्जरी के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरोन और अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भिजवाया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और गुलदस्ता भी भिजवाया गया, जबकि अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने भी इस सिलसिले में खसूसी पैगाम भेजा है जिसमें वज़ीर आज़म की कामयाब सर्जरी पर खुशी का इजहार किया गया और इनकी जल्द से जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की गई। ज़राए के मुताबिक बान की मून की जानिब से पाकिस्तान और अक़वामी मुत्तहिदा के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को सराहा गया और मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करने की उम्मीद जाहिर की गई। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी का कहना है कि करप्शन के जरिए लूटी दौलत वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। नैब किसी को हरासा नहीं कर रहा। डॉक्टर आसम केस हो या DHA तहकीकात, नैब पर सिर्फ कौम का दबाव है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब और मीडिया से बात करते हुए कमर जमान चौधरी ने कहा कि वो ये वाजिया करते हैं कि नैब किसी को हरासा नहीं कर रही बल्कि सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। डॉक्टर आसिम हो या DHA का मामला, नैब पर सिर्फ कौम का दबाव है, लेकिन हमें करप्शन को आहनी हाथों से रोकना होगा। छोटी छोटी बदनवानियाँ बड़ा बोझ बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन की वजह से स्कूल और अस्पताल नहीं बन पाते। करप्शन के खात्मे के लिए हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभानी हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे में रहना डालने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। CPAC के मामले में करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसकी शफाफियत के लिए चीन भी काम कर रहा है। कमर जमान चौधरी का कहना था कि नैब किसी को हिरासा नहीं कर रही, करप्शन के जरिए लूटी हुई रकम कौमी खजाने में वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। तारीख के हम तरीन मोड़ पर सबको करप्शन के खिलाफ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान आज अपने 70 साल सफ़र में अहम तरीन मोड़ पर है। हमने अपने अपने हिस्से की कौमी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाना है। मिलकर करप्शन का खात्मा करेंगे। चेयरमैन नैब ने कहा कि कतरा कतरा करप्शन से कौमी खजाने पर एक बड़ा बोझ बन जाता है। उन्होंने कहा कि मुल्क से मोहब्बत करेंगे तो करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। पाक फिजाइया की मशकें अहतमाम पजीर हो गई। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कहना है कि मुसल्ला फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अहतमामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जकाउल्ला और आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कहना था कि पाक फिजाइया ने ऑपरेशन ज़रब अज़फ़ में दीगर अफवाज के साथ इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, जबकि मुल्की मुसल्ला अफवाज में पहले से कहीं ज़्यादा हमांगी पाई जाती है। सुहेल अमान का कहना था कि अफवाज
किसी भी अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। तकरीब से खिताब में जनरल राशिद महमूद का कहना था कि पाक फिजाइया की वॉर गेम्स अपनी कुव्वत शनाख्त और चैलेंजेस के तायुन के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुई हैं, जबकि वॉर गेम से मुस्तकबिल के किसी भी तनाज़े में फिजाई कुव्वत की कारकर्दगी का जायजा लेने में भी मदद मिली है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाक अफगान सरहद के मुकाम तुरखम पर सफरी दस्तावेजात के बगैर आमद और रफ्त आज दूसरे रोज भी बंद है। इससे कल तुरखम से योमिया 25 से 30 हज़ार अफराद की गैर कानूनी आमद और रफ्त होती रही है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि पासपोर्ट और वीज़े के बगैर सफ़र करने पर पाबंदी है और किसी को भी कानूनी दस्तावेजात के बगैर सरहद पार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चमन में बाबे दोस्ती पर पाक अफगान सरहद पर हर किस्म की आमद और रफ्त जारी है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक उन्हें बगैर सफरी दस्तावेजात की आमद और रफ्त रोकने के अहकाम नहीं मिले। चमन के शहरी तजारत के लिए रोज़ाना अफगान तजारती इलाके वेश मंडी जाते हैं। यहाँ पर आमद और रफ्त के लिए नादरा का कंप्यूटराइज अफगान मुहाजिर कार्ड ज़रूरी होता है। भारतीय अदालत ने भारतीय रियासत गुजरात में 69 मुसलमानों को जिंदा जलाने के केस का फैसला सुना दिया है। 24 इंतहा पसंद हिंदुओं को सजा जबकि 36 को बरी कर दिया गया। भारतीय रियासत गुजरात में 14 साल कबल 69 मुसलमानों को जिंदा जलाने के केस में अदालत ने 24 मुसलमान को सजा और 36 को बरी कर दिया है। 2002 में गुजरात फसादात के दौरान मुस्लिम अक्सरियत वाली गुलबर्ग सोसाइटी में इंतहा पसंदों ने 69 बेगुनाह मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। अदालत ने 24 में से 11 मुसलमान को कत्ल और 13 को दीगर इल्जामात पर सजा सुनाई है। गुलबर्ग सोसाइटी का वाकया 28 फरवरी को गोधरा ट्रेन वाकये के एक दिन बाद हुआ था, जबकि इन फसादात में कांग्रेस के साबिक रुकन एहसान जाफरी को भी मार दिया गया था, जिनके घर पर कई मुसलमानों ने जाने बचाने के लिए पनाह ली हुई थी। माह सयाम की आमद के साथ ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजाम व इस्राम की जिम्मेदार अदारे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने वाले नमाजियों, रोज़ेदारों और ज़ायरीन की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो गए हैं। अरब टीवी के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की खिदमत पर 5,000 मुस्तकिल और जुज़ो वक्ती रज़ाकारों की खिदमात हासिल की गई हैं। मस्जिद नबी के अमूमी अमूर की देखभाल के जिम्मेदार इदारे के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल अजीज़ फाले ने बताया है कि माह सयाम से कल मस्जिद नबी के मरकजी हाल, मशरकी, मगरबी और शुमाली सिमतों में बनी गैलरियों में 16,000 फिट नए कालीन बिछाए गए हैं। रोज़ेदारों की पानी की ज़रूरत के पेश नज़र रोज़ाना 300 टन आब जमज़म मुहैया किया जाएगा। आब जमज़म को ठंडा रखने के लिए 15 बड़ी मशीनें नस्ब की गई हैं, जबकि पानी को साफ़ सुथरा और ठंडा रखने के लिए 40 फ्रीज़र उनके अलावा हैं। पानी पीने के लिए 385 मुकामात पर टूटियाँ लगाई गई हैं। मस्जिद के सहन में धूप से बचाव के लिए 250 बड़ी छतरियाँ नस्ब की गई हैं, जबकि 436 मोबाइल पंखे मुहैया किए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मोहम्मद आमिर की क्रिकेट में वापसी खेलों के लिए बेहतर है और उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। दुबई में गैर मुल्की खबर रसानदारे को इंटरव्यू देते हुए डेव रिचर्डसन का कहना था कि मोहम्मद आमिर का एक मरतबा फिर क्रिकेट में वापस आना खुश आइंद है और उन्हें इंग्लिश टीम के खिलाफ खेलने का ज़रूर मौका मिलना चाहिए, यह खेलों के लिए भी बेहतर होगा। उनका कहना था कि दौरा इंग्लैंड के दौरान मेज़बान टीम के खिलाफ खेलना आमिर के लिए हैरान कन होगा। माजी में फास्ट बॉलर ने जो किया उससे सबक सीखना चाहिए, जबकि वो आमादगी जाहिर कर चुके हैं, नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल बनेंगे। आईसीसी के चीफ का कहना था कि अगर मोहम्मद आमिर इंग्लैंड का दौरा करते हैं तो इंग्लिश टीम के कप्तान को बाल कराते हुए उन्हें देखकर खुशी होगी।
मेरे ख्याल में अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी फौरन सजा मिलनी चाहिए, जिससे भुगतने के बाद वो गलती आप फिर कभी ना कर सकें। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज रात और कल इस्लामाबाद समेत मुल्की बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और मिट्टी के तूफान का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन, हजारा, पिशावर, कुहाट, मर्दान और बनू डिवीजन में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई पंजाब, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरावाला, लाहौर और फैसलाबाद डिवीजन में भी बारिश और मिट्टी के तूफान की पेशगोई है। इस्लामाबाद, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है और ये सिलसिला जुम्मे के रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा और जोब डिवीजन में बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्की बालाई इलाकों के अलावा दीगर हिस्सों में मौसम बदस्तूर गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात और वाकियात के नतीजे में 19 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़ विद आमना नियाज़ी।